सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। भी होगा उस पर विश्वास भी होगा, साथ में उस वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जियोगे भी। आमीन। ये तो हमें पता है कि पवित्रता ही में रहना है, गलत नहीं देखना है, गलत नहीं बोलना है, लेकिन अगर पता होने से कुछ नहीं होगा, उसे इंप्लीमेंट करना होगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो शमौन, जो शमौन की तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी इस्तेमाल करता है। अगर आप कहें कि यहाँ 2000 साल पहले, हजारों साल पहले ऐसा हुआ था, परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर ने अपना डिसाइपल चुनना था, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर आज भी इस्तेमाल करता है अपने लोगों को, परमेश्वर आज भी प्रेरितों को चुनता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को आप लोग चाहिए, आपका हृदय चाहिए परमेश्वर के लिए, खुला हुआ विश्वास चाहिए और वचन को फॉलो करना। हालेलुया। वचन को मानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा टेस्टमनी में बदले, तो क्या इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। आमेन। हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम 3 कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम अपना ध्यान परमेश्वर से हटा नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप ये सोचें कि जब आप चर्च में आए तो जो वर्शिप सेशन है, दूसरा सेशन जो वीडियो टेस्टमनीज का है, तीसरा रेगुलर टेस्टमनीज का है, फिर प्रीचिंग है, फिर मास प्रेयर है, इंस्टेंट टेस्टमनीज है, ऑयल और हैंकी के साथ प्रेयर होती है, तो आपको जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ गए वर्शिप से लेकर आमिन तक, तो आपको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखना होता है। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि ये सेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कम इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सी ऐसी गवाहियां सुनते हैं कि किस तरह से वर्शिप के दौरान लोगों को परमेश्वर की आत्मा का एक्सपीरियंस हुआ। हम देखते हैं किस तरह से वीडियो टेस्टमनी सुनी किसी बहन ने और उसमें विश्वास पैदा हुआ कि अगर परमेश्वर इस बहन को 14 साल के बाद बेबी दे सकता है तो परमेश्वर मुझे भी दे सकता है, और उसमें विश्वास पैदा हुआ और वह गवाही के साथ वापस आया। हम देखते हैं किस तरह से प्रीचिंग लोगों ने सुनी, परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया अद्भुत वचन सुना और लोगों ने अपनी नशों को छोड़ा, अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। हम देखते हैं किस तरह से इंस्टेंट टेस्टमनीज लोग चेंज होते हैं, मास प्रेयर में दुष्ट आत्माएं जाती हैं। तो हर एक सेशन इम्पॉर्टेंट है, मींस कि अपनी लाइफ में हर समय परमेश्वर की ओर देखना इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। हम अपनी परीक्षा में, अपने दुखों में परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को छोड़ कोई अन्य उपायों की ओर नहीं भाग सकते। हालेलुया। हमारा ध्यान हर वक्त परमेश्वर की ओर रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर हमारी इम्पॉसिबिलिटीज, असंभवताओं को परमेश्वर गवाही में बदले। आमेन। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 कि किस तरह से एक लंगड़े भिखारी को परमेश्वर के प्रेरितों ने जब चंगा किया, तो उस समय पत्रस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो जैसे ही उन्होंने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए उस लंगड़े भिखारी ने देखा, तो कुछ पाने की इच्छा से उसकी ओर देखने लगा। तब परमेश्वर के प्रेरित अभिषिक्त प्रेरितों ने, पत्रस और यूहन्ना ने, उसकी लाइफ में सबसे बड़ी उसकी लाइफ की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, उसकी लाइफ के श्रापों को मिटाने के लिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? हमारी ओर देख। हालेलुया। हमारी ओर देख। जैसे ही उस लंगड़े ने पत्रस और यूहन्ना की ओर देखा, तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। जैसे ही प्रार्थना हुई तो लिखा है कि उसके टखनों में, उसके पैरों में बल आया, सामर्थ्य आई, वो उठा, वो खड़ा हुआ, वो चलने फिरने लगा, उछलने कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ प्रेरितों के पीछे पीछे मंदिर में गया। हालेलुया। उसकी लाइफ में जो उसके मिरेकल की शुरुआत कहां से हुई थी? जब उसने प्रेरितों की ओर देखा। हालेलुया। जब उस लंगड़े भिखारी ने, जो जन्म से लंगड़ा था, जो जन्म से भीख मांगता था, लाइफ जीरो हो चुकी थी, जैसे ही उसने चंगा करने वालों की ओर देखा,
तो क्या हुआ, लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया, इम्पॉसिबल जो था वो पॉसिबल हो गया। आमीन। तो इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया, किसी अन्य उपायों की ओर नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं यर्मिया 32 उसकी 17 में लिखा कि परमेश्वर वो है जिसने बड़ी सामर्थ्य और बलवंत भुजा से आकाश और पृथ्वी की रचना की है, और परमेश्वर के वचन में साथ में क्या लिखा कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचन यर्मिया 32 उसके 17 में क्या लिखा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया, कि जन्म से लंगड़ा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कभी वो पैरों के बल खड़ा हूं। लिखा है कि वो उछलने कूदने लगा, वो चलने फिरने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, और परमेश्वर की स्तुति करता करता प्रेरितों के पीछे गया। हालेलुया, उसके लाइफ में मिरेकल की शुरुआत कब हुई, जैसे ही उसने चंगा करने वालों की ओर देखा, जैसे ही उसने प्रेरितों की ओर देखा, जैसे ही देखा लिखा है कि वो उसी समय सामर्थ्य उसमें एंटर हुई। हालेलुया, तो इसलिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि उसके लिए कोई कमजोरी ऐसी नहीं है जो जिसे परमेश्वर सामर्थ्य में ना बदले, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे परमेश्वर चंगा ना कर सके, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे वो आपको बाहर निकाल ना सके, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं है जिससे परमेश्वर आपको सॉर्ट आउट करके आपको क्लियर माइंड ना दे सके। परमेश्वर आज भी चंगा करता है, आज भी लहू के रोगों को चंगा करता है, आज भी कोढ़ी शुद्ध होते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी अंते देखते हैं। तो ये क्या है, ये क्या साबित करता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा आज आपको भी टेस्टमनी देगा। आमीन। वो आपकी लाइफ में भी टेस्टमनी देगा जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। आमीन। तो क्या जरूरी है, परमेश्वर की ओर देखना। हालेलुया, परमेश्वर की ओर देखना, जब घर में अकेले अपने कमरे में बैठे हो तब भी परमेश्वर को अपने मन में समाये रखना, जब आप अकेले बैठे हो तब भी, फोन आपके हाथ में है, इंटरनेट ऑन है, यूट्यूब पे हो, तब भी हमेशा इसी धुन में रहना कि यस मैं वचन नहीं तोड़ूंगा, कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। तब भी अकेले जब अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने घर, अपने रूम में बैठे हो, तब भी परमेश्वर को हमेशा अपने मन में जगाए रखना। हालेलुया, तब इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, तब जन्म से अंधा खड़ा होता है। हालेलुया, तो हम आसानी से कह तो देते हैं कितने संडे हो गए मुझे चर्च जाते हुए, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो मैंने आपको जितने चेंज बताए हैं, जिन लोगों ने किए हैं, ये कलीसिया के एफर्ट्स थे जिन पर परमेश्वर ने मोहर लगाई। हालेलुया, क्या हुआ, लंगड़े ने देखा, उसके बाद वो उठा। शमौन ने क्या किया, सारी रात मेहनत की, घंटों काम किया, कुछ भी हाथ ना लगा, फिर भी परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके गया, एफर्ट किया, तब किश्ती भरी, तब परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसके मकसद को चेंज किया, और परमेश्वर ने उसे रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, क्या किया यहोशुआ और कालेब ने, सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें वायदों के स्थान तक पहुंचाऊंगा, तो निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो क्या किया यहोशुआ और कालेब ने, सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया। तो इसलिए कलीसिया की जरूरत है सबसे पहले स्ट्रांग होने की, सबसे पहले आत्मा में बढ़ने की आपको जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की इम्पॉसिबिलिटीज, असंभवताएं टेस्टमनीज में बदले, तो क्या जरूरत है, एक विश्वासी को खड़े रहने की जरूरत है। आज एक विश्वासी को जरूरत है बढ़ने की, स्ट्रांग होने की आत्मा में, परमेश्वर में खड़े रहने की एक विश्वासी को जरूरत है। आमीन। हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो देखने में तो ये कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था कि एक छोटा सा लड़का और एक इतना बड़ा विशालकाय व्यक्ति, स्ट्रांग जो एक्सपर्ट था लड़ाई में, उन दोनों की लड़ाई हो पाई, ये इम्पॉसिबल काम था कि वो दाऊद छोटा सा टीनेज लड़का जीते। लेकिन उसने क्या किया कि आज मैं खाली नहीं आता हूँ, उसने क्या बोला था कि आज मैं खाली नहीं आता, मैं आता हूँ यहोवा के नाम से और तुझ पर जीतूंगा। उसने अंगीकार किया था परमेश्वर के वचन का आगे बढ़ते हुए। तो हमने क्या देखा कि उसने जीता, वो जीता उस गोलियत के ऊपर जो इम्पॉसिबल था जीतना, उस इम्पॉसिबल पर उसने जीत पाई, कैसे, परमेश्वर के वचन से। हालेलुया,
जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर अमेजिंग इम्पॉसिबल काम करता है। उसने कहा कि आज मैं खाली नहीं आता हूँ, आज मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ और तुझ पर जीतूंगा। उसने जीत पाई। और परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य के लिए नहीं हो सकता, परंतु वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो अगर आपके अपने बल से, अपनी एक्सपर्टीज से आपकी परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही, तो परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर ने कहा कि यो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया है। वो सांप और बिच्छू क्या है? वो वही इम्पॉसिबिलिटीज है, वही परीक्षाएं हैं, वही कर्जे हैं, वही शैतानी अटैक्स हैं जो इतनी बड़ी दीवारों के समान आपको लगते हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। तो अगर आपके अपने बल से वो सांप और बिच्छू रोंदे नहीं जा रहे, तो परमेश्वर ने इसीलिए तो अपना वचन दिया है कि इसे मनन करो, इसके पास आओ, यही सब कुछ है। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं बता रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो हर एक सेकंड मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आत्मा में, कि मैं कोई हिस्ट्री की टीचर नहीं हूँ। खुद एक्सपीरियंस किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्यों को मैंने, कि मैं अगर यहाँ पर हूँ एक परमेश्वर की सेविका के रूप में, तो ये तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में, मेरी इमेजिनेशन से परे की बात है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे अपने दास के लिए, इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, और मैं आज खड़ी हूँ और बोल पा रही हूँ, वो सिर्फ इसीलिए कि इम्पॉसिबल पर पॉसिबल हुआ जब मैं खड़ी रही, जब यीशु को जाना, पहचाना, जब परमेश्वर के वचन को सुना, विश्वास किया, उसे माना भी। हालेलुया। तो जो भी यहाँ पर जन है, अगर आप मेरी गवाही को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी गवाहियां देगा। आमीन। परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आमीन। हम जो ये सेवकाई को देख रहे हैं, ये सेवकाई उस व्यक्ति ने शुरू की थी जो व्यक्ति किसी समय पर पूरी तरह से निराश था, जो अपनी लाइफ से थक हार चुका था, जो सुसाइड करने के लिए जा रहा था, उस व्यक्ति ने ये सेवकाई शुरू की। लेकिन जब परमेश्वर को जाना और परमेश्वर को पहचाना, तो आज वही व्यक्ति पूरी दुनिया में परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए परमेश्वर अपने दास के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आमेन। तो ये पॉसिबल है कि हमारी परिस्थितियां चेंज हों। हालेलुया। ये पॉसिबल है कि हम अपनी परीक्षा से टेस्टमनी की ओर जाएं। ये पॉसिबल है कि हम हार से, रिजेक्शन से, हम सिलेक्शन में प्रवेश करें। ये पॉसिबल है कि हमें सबको रिजेक्ट करता है, लेकिन एक दिन आएगा अगर हम खड़े रहे परमेश्वर में, तो लोग, वही लोग हमें प्रेज करेंगे, वही परमेश्वर का फेवर हमें मिलेगा। आमेन। तो सब जन एक बार फिर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, दाऊद की तरह मैं तेरे पीछे पीछे चल सकूं, दाऊद की तरह एक चाल बना सकूं, अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी परीक्षा में, अपने दुखों में, परमेश्वर मैं तेरे वचन का अंगीकार करते हुए चलूं, कि निश्चय ही यहोवा परमेश्वर ने मेरी इस बीमारी को दूर किया है, निश्चय ही परमेश्वर ने मेरे कोख को हरा कर दिया है, निश्चय ही परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को ब्लेस किया है। अंगीकार करें खुदावंद को, आज से हम वचन का मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर। अंगीकार करें सब जन, आज से हम वचन पर ध्यान लगाएंगे, खुदावंद के वचन पर हम पढ़ेंगे आगे, हम चलेंगे आगे, हम मनन करेंगे परमेश्वर के वचन पर, हम ना केवल मानेंगे बल्कि उस पर चलेंगे भी, अपने गहरे में, अपने दुखों में, अपने तकलीफों में हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। अंगीकार करें सब जन ऊंची आवाज में, आज आपका दिन है। अंगीकार करें सब जन, अंगीकार करें सब जन, अंगीकार करें सब जन, सब जन अंगीकार करें सब जन। आमेन। सो कितने जन समझ चुके हैं कि अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए आपको यहोशू कालेब की तरह विश्वास रखना होगा। आपको अपने दुखों में भी, जब बार बार रिजेक्शन हो, तब भी परमेश्वर पर विश्वास करके उसके हुक्मों को शमशौन की तरह मानना होगा। आपको दाऊद की तरह
परमेश्वर के वचन को ना केवल पढ़ना मनन करना अपने मुंह पर भी लेकर आना होगा। आमेन। तब इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। हालेलुया। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंस जो परमेश्वर के दास हमें देते हैं हमेशा कि जो ये मिनिस्ट्री जो खड़ी हुई है वो इसीलिए है कि परमेश्वर के दास ने शुरू से लेकर आज तक प्रार्थना को प्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट स्थान दिया हमेशा। हालेलुया। प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें फिजिकली संसारिक आंखों से शायद हमें लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिवाइनली पॉसिबल है, परमेश्वरीय रीति से पॉसिबल है, आत्मिक रीति से पॉसिबल है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि जब क्या कहते हैं उसे नहेम्याह ने जब परमेश्वर के कामों के लिए वो आगे बढ़ा था, जब उसने अपना सारा जो आराम, अपनी बड़ी पोस्ट, राज्य सब कुछ त्याग कर जब परमेश्वर के कामों का बोझ रखा, तो किस तरह से राजाओं का फेवर उसे मिला था। हालेलुया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहेम्याह की तरह बोझ रखो परमेश्वर के कामों का, चाहे वो आप वॉलंटियर हो, चाहे वो आप मिनिस्ट्री के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर हो, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो, चाहे वो आप लोगों को, रूहों को परमेश्वर के घर में लेके आने वाले एक विश्वासी हो, अगर आप नहेम्याह की तरह परमेश्वर के कामों का बोझ रखें, तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि राजाओं का फेवर, लोगों का फेवर, ऑफिसर्स का फेवर आपको ना मिले। आमीन। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब्राहम की तरह आप अपनी चीजों को त्यागें, आप कुछ छोड़े परमेश्वर के राज्य के लिए, चाहे वो आपकी बुरी चीजें हो, बुरी आदतें हो, चाहे बुरे लोग हो, चाहे वो बुरा फ्रेंड सर्कल हो, आप अब्राहम की तरह छोड़े और परमेश्वर अब्राहम की तरह आपकी ग्रेट टेस्टमनी ना करे, ये भी पॉसिबल नहीं। हालेलुया। वो टेस्टमनी को ग्रेट करेगा आपकी जब आप अब्राहम की तरह हर गलत चीज को छोड़ेंगे। आमीन। और ये भी नहीं हो सकता कि आप उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री की तरह जो कमजोरी में, बीमारी में परमेश्वर के पीछे पीछे चल रही थी और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, और आप भी अपने दुखों में, बीमारी, कमजोरी में परमेश्वर के पीछे चलो और परमेश्वर का आपको सामर्थ्य ना दें, ये भी कभी नहीं होगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, आपको चंगियाई देंगे, आपको फेवर देंगे, परमेश्वर आपकी टेस्टमनी को ग्रेट करेंगे। आमीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना, प्रेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रार्थना में रहना पड़ेगा। आमीन। हम जब बाइबल में एक स्टोरी देखते हैं कि जब एलिया बैठा था पहाड़ पर, तो उसने अपने सेवक को क्या कहा कि मुझे कुछ सनसनाहट सी सुन पड़ती है, बाहर जाकर देखो कि क्या समुद्र में से कोई बादल उठा। तो सेवक गया और उसने वापस आकर क्या कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। और वो एक बार नहीं गया, वो बार बार गया, वो 6 बार गया बाहर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार बार गया और वापस आकर क्या कहा कि नहीं, अभी कुछ नहीं दिखता। तो एलिया ने क्या किया उस समय, वो उसने लिखा है बाइबल में कि उसने भूमि पर गिरकर अपने घुटनों के बीच अपना सिर देकर प्रार्थना करनी शुरू की। जब फर्स्ट रिजेक्शन हुई, जब पहली बार सेवक आया भागकर और बताया कि अभी कुछ नहीं दिखता, तब भी प्रार्थना की। दूसरी बार सेवक ने आकर बताया कि अब अभी भी कुछ नहीं दिखता, फिर भी प्रार्थना में लगा रहा। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं बार वो प्रार्थना में लगा रहा, वो हिला नहीं। एक रिजेक्शन से, दो रिजेक्शन से, तीन रिजेक्शन से, लगातार 6 बार ऐसा ही हुआ, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर का प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता प्रार्थना में रहा। हालेलुया। तो आज एक विश्वासी अगर एक बार वो परमेश्वर के घर में आए और गवाही ना बने, तो फिर भी क्या आप परमेश्वर में और प्रार्थना में बने रहोगे? जब एक बार कुछ ना दिखे अपनी लाइफ में, क्या फिर भी आप परमेश्वर में बने रहोगे या फिर क्विट कर दोगे? लिखा है कि उस प्रॉफिट ने, एलिया ने भूमि पर गिरकर अपने घुटनों के बीच अपना सिर देकर प्रार्थना करता रहा। और 7वीं बार क्या हुआ, सेवक भागा भागा आया कि स्वामी, अभी एक मुट्ठी भर मनुष्य के हाथ सा बादल अभी उठता हुआ मैंने देखा है। आमीन। और उसी तरह से वो मुट्ठी भर बादल काली घटाओं में तब्दील हुआ और भारी वर्षा हुई थी। आमीन। तो उसी तरह से आपकी टेस्टमनी चाहे छोटी सी हो, अगर आपने उसे सेलिब्रेट किया, उस छोटी सी टेस्टमनी के लिए, उस छोटे से चेंज के लिए खुदावंत का धन्यवाद किया, और उस छोटी सी टेस्टमनी को देखते हुए भी आप प्रार्थना में एलिया की तरह बने रहे, तो एक भारी वर्षा होगी आपकी लाइफ में। आमीन। क्योंकि ये मिनिस्ट्री
जो अभी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, ये मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुई थी। कलीसिया के 3 लोगों से शुरू हुई थी ये मिनिस्ट्री, और आज लाखों लोग हैं इस मिनिस्ट्री में, और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है ये। आमेन। तो मुट्ठी भर बादलों को खुदावन भारी वर्षा में तब्दील करता है। तो आपकी लाइफ में भी परमेश्वर छोटी सी टेस्टमनी को, मुट्ठी भर टेस्टमनी को, परमेश्वर ग्रेट और बड़ी टेस्टमनी में चेंज कर सकता है, अगर आप एलिया की तरह प्रार्थना में बने रहें। आमीन। हिदायत क्या है ग्रेट टेस्टमनी लेने के लिए? कि प्रार्थना में बने रहना। एक बड़ा भविष्यद्वक्ता जिसकी बात कभी ना टली हो, वो भी प्रार्थना में रहा, और बार बार रिजेक्शन होने के बावजूद भी अविश्वास नहीं किया, बार बार चंगाई ना मिलने के बावजूद भी प्रार्थना में बने रहना, बार बार फेलियर लाइफ में हो फिर भी प्रार्थना में बने रहना, बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया। फिर वो मुट्ठी भर बादल काली घटाओं में तब्दील होगा, और भारी वर्षा, आशीषों की वर्षा कलीसिया पर होगी। आमीन। तो कितने जन तैयार हैं वो मुट्ठी भर बादल, छोटी सी टेस्टमनी को ग्रेट टेस्टमनीज में चेंज करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो आप रिसीव भी करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अमेजिंग काम करता है, परमेश्वर हमें चुनता है अपने कामों के लिए, लेकिन हमारा विश्वास, वचन को मानना, उसे फॉलो करना, परमेश्वर की हदायतों को मानना इम्पोर्टेंट है। आमीन। परमेश्वर, हम देखते हैं कि बड़े से बड़े लोग, चाहे वो परमेश्वर का प्रेरित शमशोन जो बाद में पत्रस कहलाया, परमेश्वर के बाद बड़े काम किए, चाहे वो बड़ा प्रेरित हो, चाहे वो बड़ा भविष्यद्वक्ता एलिय्याह हो, चाहे वो यहोशू और कालेब या गोत्रों के प्रधान हो, हर एक व्यक्ति ने प्रार्थना में और विश्वास में बना रहा है। हालेलुया। फिर उसकी लाइफ से इम्पॉसिबल खत्म हुआ और परमेश्वर ने उसे टेस्टमनी दी। आमीन। तो इसलिए एक विश्वासी को, एक कलीसिया को भी विश्वास में बने रहने की जरूरत है। आमीन। सो कितने जन तैयार है विश्वास में बने रहने के लिए? कितने जन सच में अंदर से अपने मन से तैयार हैं ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ्स में फलों को लेकर आए, जो परमेश्वर ने वायदों के स्थान, जो टेस्टमनीज खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं, ताकि आप उन टेस्टमनीज तक पहुंच पाए। आमीन। इसराइलियों की नेक्स्ट जनरेशन पहुंच पाई थी, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप खुद पहुंचोगे अपनी टेस्टमनीज तक, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ना केवल आप, आपके बच्चे, आप खुद, आपके पूरी फैमिलीज, आपके टेस्टमनीज तक आप पहुंचेंगे इन जीसस ने। सो इसलिए अपने इम्पॉसिबल को खत्म करने के लिए असंभवता के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, इसके लिए परमेश्वर को ग्रहण करना, परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर को मनन करना, परमेश्वर की ओर देखना और प्रार्थना में बने रहना। आमीन। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आमीन। क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई इन्हीं सभी पॉइंट्स के साथ, परमेश्वर के इन वचनों के साथ मेरी लाइफ चेंज हुई। परमेश्वर के दास जो एक समय पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, एक कंप्यूटर इंजीनियर पर्सन को किस तरह से खुदावंद ने छू लिया जब वो अपनी निराशा में था, किस तरह से आज वो एक प्रेरित के रूप में लाखों लोगों को, परमेश्वर की रूहों को, परमेश्वर के कामों को वो फैला रहा है, तो उसी तरह से हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि अगर वो खड़ा रहे, अगर वो विश्वास करे, अगर वो वचन को माने, तो परमेश्वर उसकी लाइफ में ग्रेट टेस्टमनीज को पैदा करेगा। आमीन। तो इसके लिए जैसे कि परमेश्वर के दास अभी प्रीच करते हैं कि गैर भाषा के रूप में, गैर भाषा में अगर आप रहे तो भी आपकी इम्पॉसिबिलिटीज चेंज होंगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि गैर भाषा बोलने से क्या होगा? मेरी अपनी उन्नति होगी। अगर मैं गैर भाषा बोलूंगी तो मेरी उन्नति होगी। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे तो आपकी उन्नति होगी। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम उन चीजों के लिए करते हैं जो हमें दिखती हैं, कि परमेश्वर मेरा कोल्ड ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की सेहत ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, हमारे ऊपर ये कर्जा है परमेश्वर ये सारा कंप्लीट हो जाए, हम फ्री हो जाएं कर्जे से, जो हमें दिखता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन गैर भाषा परमेश्वर का ऐसा वरदान है कि जो हमें दिखता नहीं, उन अनदेखी चीज़ों के लिए, उन अनदेखे शैतानी ट्रैप्स के ऊपर गैर भाषा काम करता। आमीन। तो अगर आपने गैर भाषा में प्रार्थना की तो जो एक्सीडेंट्स हैं, जो शैतान ने, शायद शैतान का ट्रैप है या शैतान के अटैक्स हैं जो हमें नहीं दिखते, जो होने वाले हैं, लेकिन अगर हम गैर भाषा में रहें तो वो सभी कैंसिल होते हैं। आमीन।
तो आज से गैर भाषा में रहना सभी ने, एक घंटा रोज गैर भाषा बोलें ताकि आपकी लाइफ के इम्पॉसिबिलिटीज खत्म हो, आमीन, ताकि ग्रेट टेस्टिमनीज आपका हिस्सा हो, आमीन, ताकि एक इफेक्टिव क्रिश्चियन आप बने, आमीन, ताकि परमेश्वर के बड़े कामों को आप अपनी आंखों से देखने पाए, आमीन, ना केवल आपकी जनरेशन बल्कि आप खुद अपनी आंखों से अपनी टेस्टिमनी तक अपने वायदों के स्थान तक आप पहुंचने पाए, आमीन। तो सब जन प्रार्थना करें खुदावंत के सामने अपनी आंखों को बंद करते हुए, धन्यवाद करें आज के वचन के लिए कि परमेश्वर तेरा वचन, आज का वचन हमारी जिंदगियों में काम करे, तेरा वचन हमें ब्लेस करे परमेश्वर। परमेश्वर से कि परमेश्वर आज से मैं तुझ में बना रहूंगा, तुझ में खड़ा रहूंगा खुदावन, शमशान की तरह अपने दुखों में निराशा में परमेश्वर तेरे वचन को फॉलो करूंगा, जकई की तरह परमेश्वर दूर से ही नहीं देखूंगा बल्कि तुझे अपनी लाइफ अपने परिवारों में अपनी फैमिली में तुझे एक्सेप्ट करता हूँ खुदावन। मैं वायदा करता हूँ परमेश्वर कि मैं सिर्फ नाम का मसीही नहीं बल्कि एक इफेक्टिव मसीही बनूंगा, बल्कि अपने दुखों में भी परमेश्वर अपने विश्वास को कम नहीं होने दूंगा। जब लगे कि बीमारी बहुत बड़ी है परमेश्वर, तब भी यहोशू और कालेब की तरह हम विश्वास में बने रहेंगे। सब जन वायदा करें खुदावन से, तब आप ग्रेट और ग्रेट और ग्रेट टेस्टिमनीज को आप देखेंगे, ऊंचे से ऊंचे से ऊंचे ओहदों तक आप पहुंचेंगे अगर आपने परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर में खड़े रहे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, आमीन। सो आज कितने जन ब्लेस हैं, जितने जन ब्लेस हैं उनका हालेलुया उतना ऊंचा होना चाहिए, सात बार हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमेन, आमेन।